और अब जोधपुर से बड़ी खबर, जहां आपसी विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला। घायल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बनाड़ थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। बनाड़ थाना क्षेत्र का ये मामला, आपसी विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला किया गया। आपसी विवाद के बाद ये युवक घायल हुआ, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो बनाड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला, बनाड़ा थाना क्षेत्र में ये झगड़ा हुआ। जोधपुर से बड़ी खबर, आपसी विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला किया गया। युवक घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और आपको बता दें, जोधपुर से बड़ी खबर बनाड़ा थाना क्षेत्र की है, जहां पर युवक पर आपसी झगड़े में चाकू से हमला कर दिया गया, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से हमारे संवाददाता गिरीश धाधीच। गिरीश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? देखिए सौरभ, बात करें तो फिलहाल जोधपुर सुर्खियों में है। पहले बात करें तो कल जो घटना हुई सूरसागर में, जो दंगे को चलते हुए दो पक्षों में जो झगड़ा हुआ, उसमें सुर्खियों में आया। फिलहाल ये जो मामला है बनाड़ पुलिस थाना क्षेत्र का है। आपसी विवाद को चलते हुए चाकू से जो हमला हुआ है, उसको लेकर ये बड़ा मामला सामने आया। हालांकि जो पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह है, लगातार हर मामले पर नजर गड़ाए रखे हैं। फिलहाल युवक को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो युवक है वो फिलहाल घायल है। और इसकी जो पूरी मामले की जो जांच है, पुलिस हर पहलू पर मामले की पूरी जांच कर रही है, हर तरह की सीसीटीवी खंगाल रही है। फिलहाल जो बात सामने आ रही है, जो आपसी विवाद की बात है जो सामने आ रही है, हालांकि फिलहाल पुलिस थाना बनाड़ इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश इस तमाम जानकारी के लिए।